तसेच महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे पदाधिकारी इथे उपस्थित आहे, त्यांना सुद्धा धन्यवाद। यहाँ पर महाराष्ट्र के बाहर के भी कुछ है जो मराठी नहीं जानते, इसलिए मैं हिंदी में कहूंगा कि यहाँ उपस्थित हुए सभी का मैं मनोपूर्वक आभार मानता हूँ। और ये हमारी बड़ी उपलब्धता है कि आज हमारी महिला कमीशन पूरा महिला सशक्तिकरण के दूसरे स्टेप पे आई है, जिसमें आज हमारे महाराष्ट्र के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, जिन्होंने अपने अचीवमेंट्स किए हैं, उनको जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, ऐसे कोचेस है, रेफरी जजेस है, ये सभी महिला वर्ग को एक कहीं तो भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का ये हमारा मानस रहा है। और इस मानस को देखते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया कि वुमेन्स कमीशन के माध्यम से हम ये जगह प्रोग्राम लेते हैं और महिला जागतिक दिन के दिन ये जगह प्रोग्राम होता है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन को होगा। और मैं स्पेशली थैंक्स कहूंगा हमारे महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने ये योजना को सफल बनाने के लिए मुझे मार्गदर्शन करते रहे, साथ में उन महिलाओं को जो जिनके लीडर्स ये है, प्रोजेक्ट हेड है, प्रियदर्शना परवल मैडम जो आज हॉस्पिटल में रहने के बाद में भी हमारे साथ में जुड़ी है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं ने महिलाओं को समझने के लिए एक नया आयाम महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से शुरू किया है। कुछ महिलाएं व्यस्त होने के बाद भी इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुई है, इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा और मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए मैं सभी को थैंक यू बोलूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच सर, प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड गाइडिंग अस द वे यू हैव डन थ्रू आउट दीज सेशंस। नाउ आई वुड लाइक टू टेक द प्लेजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टुडेज चीफ गेस्ट, डॉक्टर सोनिया कनवर। Dr. Sonia is a versatile personality. She has many feathers to her cap. She is not only PhD holder, but also an international boxing official and a former international judo player. She is India's first female IBA star to referee and judge. बहुत आभार मानता हूँ और ये हमारी बड़ी उपलब्धता है कि आज हमारी महिला commissions पूरा महिला सशक्तिकरण के दूसरे स्टेप पे आई है, जिसमें आज हमारे महाराष्ट्र के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, जिन्होंने अपने अचीवमेंट्स किए हैं, उनको जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, ऐसे कोचेस है, रेफरी जजेस है, ये सभी महिला वर्ग को एक कहीं तो भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का ये हमारा मानस रहा है। और इस मानस को देखते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया कि वुमेन्स कमीशन के माध्यम से हम ये जगह प्रोग्राम लेते हैं और महिला जागतिक दिन। Dr. Sonia is a versatile personality. She has many feathers to her cap. She is not only PhD holder, but also an international boxing official and a former international judo player. She is India's first female IBA star to referee and judge. She has been officiating since the first women national boxing championship was held at Chennai in 2001. She has published dozens of textbooks related to the field of physical education and sports as a co-author, and she has even published dozens of research papers in international and national level journals. Welcome, ma'am, and thank you for joining us. And happy International Women's Day to you too. Thank you so much. Thank you, ma'am. Please tell us how it feels to be India's first IBA Star 2 official and motivate our future generation to be one. First of all, good evening everyone, and congratulations to all the women boxing stars present here on this occasion of International Women's Day. And I would like to thank Maharashtra Boxing Association, Dr. Rakesh Tiwari ji, Secretary General MBA, Madam Priyadarshini, and committee members who have been organizing this event. So thanks for giving me this honor and opportunity to interact with you all. Talking about boxing, like, it was not an easy task for me to join male dominating sports like most of other women. So shall I speak in Hindi or is it okay? Ma'am, any language, whatever you're comfortable in. So, because most of like participants are from Maharashtra, maybe in your regional language. I don't know your regional language. So
Like I was saying, it was not an easy task for me. Like all other women boxers, they must have experienced, like they must have faced barriers put forward by the society when they came to the field of boxing. So here I would like to mention, like before entering a track, you must have seen hurdle race. Hurdle race, you have to cross many hurdles. Similarly, while coming to a field of sports, especially male dominating sports like boxing and judo, we have to face many hurdles put forward by society. Maybe starting from our family, we have to convince our parents, our family members that we want to start, we want to pursue career in this particular sports, which is not very convincing for most of the society members. So it was difficult, but a beautiful journey when you achieve something in your life. So I would like to convey my fellow boxers, shining stars, they're already stars. They are already a source of inspiration for most of other boxers. So continue like you are continuing your journey and keep growing, keep shining wherever you go. Ma'am, I have one more question for you. Ma'am, would you like to give some message to our women who are listening out there on occasion of International Women's Day? Some message to motivate them? See, I can, you know, I follow a thought process. It's not a saying, it's not a quote. It's, you know, something I believe in. So I would say for my fellow boxers, women boxers who are present here, just listen to this quote very carefully. It holds a very, you know, a concrete message, a life's journey, and you should follow this. What I believe in is, na poochho ki meri manzil kahan hai. Na poochho ki meri manzil kahan hai. Abhi to safar ka irada kiya hai. Na harungi hausla umr bhar. Na harungi hausla umr bhar. Maine kisi se nahi, khud se ye vaada kiya hai. So this is the thought process. Like you should believe in yourself. Just continue your journey. And just think that it's just the beginning, not the end. You have started your journey and you just continue your journey. That is the thought process which most of the time I follow. I suggest my fellow boxers to follow. I totally agree with you, ma'am. It's a nice thought process, basically. Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you for motivating us and gracing our event. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you. Now it's time for our second chief guest of the evening, Mrs. Amruta Deshmukh. Amruta ma'am is a known figure in boxing. She is chairman of Maharashtra Boxing Association Women's Commission. She is Shiv Chhatrapati Krida Puraskar winner in cycling. She was a national champion in national road and track cycling, triathlon, and a record holder swimmer. She is a sports psychologist. Welcome, ma'am, and happy International Women's Day to you. Thank you so much, Malini. First of all, I think one of the best ways of celebrating Women's Day is to see so many vibrant faces out here, smiling, and hum sab ek energy ke saath aaye hain, hai na? खूबसूरत दिख रहे हैं जो भी अटायर में है ये जो स्माइल है ये हमें बहुत स्पेशल बना रही है तो मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे लिए विमेंस डे सिर्फ आज नहीं है हर दिन है क्योंकि हम रानियां हैं हाँ हमारे घर की हमारे दूसरों के लिए ही नहीं बस हमारे लिए भी सो यू ऑल ऑलवेज स्टार्ट विद सेइंग दैट आई एम द chairman of women commission but I know like Sonia ma'am just said ki hum bahut sare hurdles ko cross karke aage aate hain to jab maine women commission ka haath bar liya tha maine jab kaam haath mein liya wahi time tha jab maine conceive kiya aur mujhe twins the so kyunki main ek young mother thi I was struggling with a lot of things to main jitna kaam karna chahti hu utna nahi kar payi but I'm sure that the woman in me will never give up aur hum bahut kuch karne wale hain jahan par main mere jo anubhav hai aur as a psychologist jo maine bhi seekha hai
जो मैं अलग अलग स्तर के एथलीट्स के साथ यूज करती हूँ वो मैं बॉक्सिंग में भी करूंगी. सो विमेन, यस, एक स्त्री की शक्ति क्या है? हाँ, आई हैव मालिनी एज अ यंग मदर, बैकग्राउंड में बच्चा रो रहा है, फिर भी एक औरत जब हंस के एक प्रोग्राम को फेस करती है, दिस इज व्हाट इज वुमेन स्ट्रेंथ. यू नो आई सी भाग्यश्री, हाय भाग्यश्री, हैप्पी फेस who is continuing sports, fitness, even after marriage. This is what is women empowerment. As Sonia ma'am said, hamari struggles kafi shuruaat se shuru hote hai, jahan par kabhi kabhar hume maa-baap ko convince karna padta hai ki hume kya karna hai. Uske baad aate hai jab hum alag prakar ke kapde pehante, to samaj hamare ko aur kaise dekhta hai. उसके बाद आता है जब हम ट्रैवल करते हैं बाहर, लोग कहते हैं अरे लड़की अकेले जा रही है. हाँ, जब भी मेट का वो क्या खजीना और चाबी वाला डायलॉग आ जाता है. फिर आता है वो सफर जब आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल जाते हो, एक अभिमान लाते हो फैमिली के लिए. लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम एक पुरुष प्रधान संस्कृति में हैं, जहां पर एट द एंड ऑफ द डे यू कम होम एंड यू गेट इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. फिर वो रोल हो सकता है शायद शादी करके एक बीवी बनना या फिर बच्चों की माँ बनना. बट उसी के साथ जब स्पोर्ट्स में हम रहते हैं तो हमारी एक खुद की जो आइडेंटिटी होती है वो हमें सब औरतों से अलग बनाती है. सो आई एम श्योर व्हाट मेक्स एवरी फीमेल योर डिफरेंट इज आवर कॉमनैलिटी दैट वी आर एथलीट्स हु एक्चुअली स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल अदर वुमेन बिकॉज वी हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट. हमारे में एक अलग सा एक स्पिरिट होता है जो हर तकलीफ में हमने स्पोर्ट्स में जो फेस किए होते हैं उससे हमारी जिंदगी की तकलीफें हमें बहुत छोटी लगने लगती है. यस, सो मेरा इंट्रोडक्शन स्पोर्ट्स का दिया गया, बट अभी मैं सबसे ज्यादा कुछ कहना चाहती हूँ तो वो है एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट कि सब महिलाओं के लिए कि जैसे हम हमारे खूबसूरती के पास ध्यान देते हैं, वो सिर्फ शारीरिक ना हो, वो मानसिक भी हो. आप मन से भी खूबसूरत रहिए. जैसे आप फिजिकली फिट रहते हो, आप जितनी शिद्दत से अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हो उतना ही अपने मन को भी स्ट्रांग बनाइए. देखिए, हार जीत तो होने ही वाली है. हारने के बाद जब हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है आगे, यही हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है. तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ जीतते हैं वही मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो हारने के बाद वापस उठ के उतनी ही शिद्दत से वापस कोशिश करते हैं उस रेजिलियंस को मेंटल टफनेस कहते हैं. तो हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जो भी पड़ाव आ रहे हैं, अच्छे हो बुरे हो, आप हार ना माने. आपके आसपास बहुत सारे इंस्पिरेशंस होंगे, उनके पास देख के, जैसे सोनिया मैम ने एक बहुत अच्छा सा कोट कहा, इट्स अबाउट लिविंग विद दैट कोट, कि बिल्कुल हार ना माने, ये तो शुरुआत है, आगे हमें बहुत कुछ करना है. तो लुक आफ्टर ईच अदर. हम जब सीरियल्स या मूवीज देखते हैं, मूवीज से ज्यादा सीरियल्स है ना, काफी घरों में टीवी चलता है. हाँ, महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए, एक दूसरे को नीचे खींचते हुए, एक दूसरे की लाइफ में टांग अड़ाते हुए. लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम जो है एक दूसरे का सपोर्ट बने. जब भी आप महसूस करें कि आपके आसपास कोई भी महिला अफेक्टेड है तो उनके पास पहुंचे, उनको सहारा दे. अगर आप नहीं दे पाओ तो जरूर मेरे पास कांटेक्ट कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगी. दूसरी चीज, आपकी जिंदगी में जैसे कहा जाता है कि एक महिला पुरुषों के सक्सेस के पीछे पिलर होती है, वैसे ही कभी ना भूले कि एक महिला आगे आने के लिए भी पुरुष की बहुत बड़ी हमें जरूरत भी होती है. और जब मिलता है वो सपोर्ट तो हमारी जिंदगी के वो पिताजी हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके कोचेस हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जो भी फिगर्स है आप उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनके सपोर्ट को हमेशा याद रखें एंड मेक श्योर दैट यू बिकम अ स्ट्रेंथ फॉर अदर्स इन लाइफ. स्पोर्ट्स हैव मेड यू द हीरोज एंड मैं इस वुमेन्स डे पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे अंदर एक ऊर्जा है. हाँ, हम है जो एक नए जीवन को जन्म दे सकती है. वैसे ही हर मुश्किल से लड़ने के लिए जो ताकत लगती है, सबसे ज्यादा भरी पड़ी है वो हमारे अंदर ही है.
बाहर उस ऊर्जा को ना ढूंढे, अपने अंदर ढूंढे। हाँ, जो भी हम कर रहे हैं उसके उसका उसकी शुरुआत की जो एक ताकत है वो हमारे अंदर ही है। उस ताकत को ढूंढे, हमारे मन को प्रसन्न रखे, खुश रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वो खुशी और प्रैक्टिस झलक के आपके परफॉर्मेंस में आएंगी, आपका करियर भी अच्छा बनेगा, जो आगे जाके आपको सिर्फ एक सामान्य स्त्री नहीं, एक स्पेशल स्त्री करके एक टैग देगा। बी अ ग्रेट प्लेयर, बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर टू डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ, एंड आई होप दिस वुमेन्स डे स्टार्ट्स एंड बिगिंस टू हैव every year we celebrate this women's day by meeting different you know champions. I'm waiting ke hum all, I want to hear all those six beautiful wonderful boxers, female boxers who have achieved and are achieving amazing heights. जो भी मेरी बॉक्सर्स है उनकी कहानी तो मैं सुनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हर किसी से सीखेंगे, सिर्फ गेस्ट से नहीं, सिर्फ चैंपियन से नहीं, जो भी हमारी जिंदगी में है छोटी छोटी चीजें जो भी हमें सिखाए जा रहे हैं उनको स्पंज की तरह अपनाइए और बेहतरी बेहतरी की ओर बढ़ते जाइए. Yes, so I wish everyone once again, thank you very much for giving me this opportunity to share my thoughts, and I'm looking forward for all those six boxers who are going to share their wonderful journeys with us. Thank you, Malini. Ma'am, ne bahut achhi baat kahi hai. Actually, if we start looking after our mental health, we will be able to achieve a lot in our life. Give us your precious time. Okay. Before we start with our interview, हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं उन बॉक्सर्स के लिए कुछ कहना चाहती हूँ जिन्हें आज हम अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट नहीं कर सके. ओके, मैं सभी बॉक्सर्स से ये कहना चाहती हूँ, टाइम कंस्टेंट्स के वजह से हम सभी को इनवाइट नहीं कर पाए, हमने सिर्फ कुछ बॉक्सर्स को आज इन्वाइट किया है. हम नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट फ्यूचर सेशन में आपको भी इन्वाइट करेंगे. दिल छोटा मत कीजिए, आप हमारे लिए हमेशा चैंपियन रहेंगे. आपने हमें हमेशा प्राउड महसूस कराया है, एंड वी विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू, एंड वी विल श्योरली कॉल यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म इन द कमिंग सेशंस इन फ्यूचर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू. फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू, फॉर द फर्स्ट स्टोरी, फॉर द फर्स्ट मोटिवेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम आवर, I would request my team member, Miss Mohini Bhute, to start with the first. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, thank you, Malini. Hello and good evening, all. Myself, Mohini Bhute, project leader of Women Summit, and here I am welcoming my dear friend, first and only woman to receive Shiv Chhatrapati Award from Maharashtra Government 2017 for excellent performance in boxing, Mrs. Bhagyashri Purohit. So welcome, Bhagyashri. Glad to have you on board with us. Hey, thank you so much, Mohini. I hope I'm audible to you all. Yes, you are. Yeah, all right. So, good evening to each and everyone, and definitely a happy Women's Day. Thank you, Mohini, for the introduction. Yeah, most welcome, Bhagyashri. So, let's start with the question and answers. So, before we start, could you please give us a short introduction about yourself, just for the people who are new to this platform, so they'll get to know more about you.
Mohini, are you waiting for the screen to start? Yes. I think there was some issue. Okay. Because I had become the host. I'm sure now again. Okay. I think now it should start. So Bhagyashree, could you please tell us about yourself, like a short introduction just for the people who are new to this platform, they will get to know more about you. Bhagyashree, I can't hear you. Okay, am I audible now? Actually, it was on mute. Yes, yes, you are. Yeah. All right, okay. Yeah, so I am Bhagyashree Purohit, definitely a boxer from Mumbai, Maharashtra. And yeah, it feels always proud that I am the first and only woman from Mumbai, Maharashtra to receive a Shiv Chhatrapati Award. I have competed in certain weight categories. I started with 50 kg, which was a lightweight, and switched to 64, 69. And I don't know now what is the next category I'm going to compete in. But yes, I am still competing. I am still into the field. And right now I am into a fitness industry. I am a fitness expert, guiding people with health, like, you know, nutrition and fitness. So this is what the short and simple introduction about me. Okay. So Bhagyashree, let's start from the start. So how did you choose boxing? Oh, this is a question where I think everyone, you know, accepts the answer, which should be war story. But I don't have any war story. It was just a thing like it happened with me. It was something unique which I want to try it out. And I, like, you know, for the first year, it was just a thing. Like, I am doing something unique. That's why I'm doing it. I don't have any those affection with it. But yeah, the letter on after a year went off, and then when I started competing to a next level, like from intercollegiate to interstate to an you know, interstate, like national state, at that time I realized, no, this is something you know, which is challenging me, which is updating me, and where now I have started feeling, you know, that comfortness once after the time you start getting it. So yeah, this is something which I need to adopt it, and it went off then. Okay. So, were your parents supportive about you being a boxer? Initially, there was always a dicey moment, because, you know, if the family is supportive, as you all know, it's Bhagyashree Purohit. I'm the North Indian based family. I'm Rajasthan. So, definitely there, for a woman, they have a different age. Like after 18, 20, you should get married, you should have kids, and, you know. But at that And the time when I started boxing, it was 17 years, when I was 17 years. So parents were always dicey initially, but after a certain time, after realizing, no, she's doing something, she needs to focus there, they were supportive. Yeah, parent support is really important. So, what changes do you feel after becoming a Chhatrapati awardee? Were there any positive changes in your life? I will say that definitely it's a change. It's, first of all, it's a very good feeling, but I'll say instead of change, I have started taking it as a responsibility, right? Because it's not just a one tag or one title which I have got it, but I have got it a responsibility that everyone is going to come up and, you know, see it like, hey, she is the first Chhatrapati, she is the Bhagyashree Purohit. So definitely it's a responsibility for me as being, I'll say the definitely positive changes are there, that yeah, I have received one, I'll say a step of my career, but something is known as, which is responsibility, which is huge after this award, definitely. Yeah, definitely. So how are you planning to take your boxing career in future? Like, what are your goals as of now in boxing? As of now, my life has also taken a little turn about, like, I got recently married and the things are a little, you know, ups and downs.
But as Amrita ma'am just said, that boxing is something, you know, that sport is something which is people going that, no, come on, I can deal with it, I can do it. So in future, definitely I have a map where I have to cross, or I have to get certain titles. But let's see how it goes. Definitely, I want a full heart support from Mumbai Box Fit. Of course, we are also supporting you. Like, of course, there is a big support from Maharashtra Boxing Association as well. Always. It has been always, like, you know, from Boxfit, Mumbai Boxing, and especially the MBA, they are always supportive. It's never been like, if I have asked anyone for help and, you know, someone is not there, or they cannot do so, still they have arranged the help. So this is one thing which, you know, being in Rajasthan, I'm like, no, I want to go back to Mumbai. I have to represent Mumbai again, Maharashtra again. But let's see how the things are going, how things will settle with me. Mm-hmm. Okay. So today being International Women's Day, what message would you like to give to your fellow women around you? So the message I always give to everyone is, like, you know, if you want something from your whole heart, like, this is a thing which I wanted, I'll say don't give up and at any cost, because there will be ups and downs. There will be a time when you think, like, I have to give up, I cannot do it. But, you know, that's only the thing that why you have started, that why should not get disrupted. It should be there that, yeah, I have started with this reason and I need it. So at that time, if you go ahead, definitely the things are yours. The only thing, like, never give up. If you have something on your vision board, have it. Take it, do it by whole heart. Yes, definitely. So that's all from my end. And thank you so much for giving your valuable time to us and inspiring all the women who have joined this today's session. Thank you once again. Thank you so much, Mohini. And thanks to all the viewers. Thank you, MBA, the Maharashtra Boxing Association, for giving such an honor. This is all of us. That's the reason I'm standing here. Thank you so much. Most welcome to you. Now I would like to hand over the mic to Ms. Malini Singh to introduce our next champion. Over to you, Malini. Thank you, Mohini. Indeed, it was a motivating interview. I'm glad that I got the opportunity to interview our AIBA Youth Women World Champion. I know everyone would have guessed it till now. It's Alfia Tarannum Akram Khan Pathan. Alfia has represented India. Alfia has represented in 2021. She has won gold medals at 30th Adriatic Pearl Tournament in 2021 and in Asian Junior Boxing Championship in 2019. Now let's start with the interview. Welcome, dear, and a very happy International Women's Day to you. Alfia, am I audible? Alfia, am I audible? Yes, you are, Malin. I guess there is some issue from Alfia's end. Hello. Hi, Alfia. Welcome to you, and a very happy International Women's Day to you. To you, ma'am, also. Okay. Alfia, आपका इंटरव्यू कर लेने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आज. अल्फिया, मैं नहीं, हम सब जानना चाहते हैं आपसे,
आपके बारे में, आप शॉर्ट में अपने अचीवमेंट के बारे में, आपने आपकी बॉक्सिंग जर्नी के बारे में हम सभी को प्लीज बताइए। जी मेरा नाम शायद बहुत बड़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ फिर से। मेरा नाम अल्फिया तैरुल्लाह अकरम खान पठान है और मैं नागपुर से हूँ। और मैं मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं अभी 12th के पेपर दे रही हूँ, अभी मेरा सेकेंड पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मेरे बॉक्सिंग स्टार्ट मैंने अपने मानकापुर स्टेडियम से की थी, अगर आप सब जानते होंगे अगर जो नागपुर में आया था। तो इसी तरह से मतलब एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बॉक्सिंग के मतलब आपने कौन सा कहाँ कहाँ मेडल लिए, थोड़े दो तीन को मैंने बता दिए, उसके अलावा आपने तो बहुत सारे मेडल्स लिए, कुछ उस बारे में भी बताइए। मैंने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो हाल ही में हमारा यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड में हुआ था तो उसमें मेरा गोल्ड है। फिर जो मैं आपको बड़े बड़े थोड़े अचीवमेंट्स वो बता देती हूँ, नहीं तो नेशनल वगैरह देखे जाए तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड है, फिर एशियन चैंपियनशिप जो हमारी दुबई में हुई थी तो उसमें मेरा गोल्ड है, फिर मेरे इन्विटेशन टूर में मेरा एक गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज, इस तरह से मेरा इंटरनेशनल लेवल का हुआ है। ओके दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट डियर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 12th एग्जाम। थैंक यू। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, आप हमें अपने आपने बॉक्सिंग क्यों चूज किया ये हमें जानना है, एंड सेकेंडली किसी भी सफल प्लेयर के लिए उसके पीछे जो सपोर्ट होता है बेसिकली वो सपोर्ट फैमिली का होता है एंड कोचेस का होता है। ओके वो सपोर्ट सिस्टम आपका कैसा था और उनके बारे में आपको क्या कहना है? मैम देखा जाए तो एज अ स्पोर्ट्स मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन ही नहीं किया था, वो मतलब एक तरह से खुद ही बॉक्सिंग मेरे पास आ गई थी देखा जाए तो। जब जैसे कि आप बचपन में हम स्कूल्स में रहते हैं तो स्कूल में हमेशा हमें समर वेकेशन हुई मतलब छुट्टियां हॉलीडेज मिलती है 2-3 महीने की, तो हमारा मतलब न्यूली हमारा मानकापुर स्टेडियम खुला था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम, मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई है जो साकिब पठान, तो हम दोनों एज अ मतलब एकदम एक कुछ नई चीज सीजन हॉलीडेज में करते, तो मेरे भाई ने बॉक्सिंग चूज किया था और मैंने एज अ बैडमिंटन मैंने फिटनेस ज्वाइन किया था। मेरा कोई था नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स में ही करना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें ही मेरा भाई बाजू में बॉक्सिंग करता था और मैं इधर साइड में बैडमिंटन खेलती थी, तो 2-2.5 साल मैंने एज अ फिटनेस खेला उसमें। और फिर उस टाइम पे मुझे मतलब आपने मेरी कॉम मूवी देखी होगी, उस टाइम पे रिलीज हुई थी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत था कि मैं भी खेलूंगी बॉक्सिंग। लेकिन जब एज अ मुस्लिम फैमिली थी उस टाइम पे मेरा हज हो चुका था, सब हो गया था, तो उस टाइम पे घर वालों ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं तुम बॉक्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो एज अ आप जैसे कि मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स है तो आप कर ही नहीं सकते करके। तो उसमें भी था कि मुझे बहुत लड़ना पड़ा घर पे उस टाइम पे, जैसे कुछ चीज आपको चाहिए आपको पसंद है तो उसके लिए लड़ना ही पड़ता है, तो ऐसा सेम मेरे साथ घर पे हो चुका था। तो मुझे बहुत ही 1-1.5 हफ्ता मुझे बहुत रोना पड़ा था उसके लिए, जिद करनी पड़ी थी मेरे पापा से कि नहीं मुझे खेलने दो करके, तो लेकिन वो फिर भी लास्ट में नहीं माने थे। जो बहुत हुआ था फिर उनने जो डिस्कशन होता है फैमिली में किया था कि खेलने देता हूँ करके, तो उसमें से बहुत लोगों ने मना कर दिया था उस टाइम पे। तो फिर कैसे भी करके मेरी इच्छा थी करके तो मेरे फादर ने अनाउंस किया था कि मैं खिलाऊंगा और मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा। तो आपने देखा होगा जितने भी मेरे टूर्नामेंट्स अगर महाराष्ट्र में हो या इंडिया में कहीं भी हो तो मेरे पापा आपको साथ में ही देखेंगे हमेशा, आजू बाजू 2 फीट के इसमें कहीं भी। तो मेरा मतलब देखा जाए तो बॉक्सिंग फिर स्टार्ट हुआ इस तरह धीरे धीरे, उन्होंने अनाउंस किया, फिर धीरे धीरे मैचेस खेलने आई हुए। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट मैंने सब जूनियर खेला था परभनी में, तो उसमें मेरा गोल्ड आया। फिर मैं मतलब फिर नेशनल खेलने गई थी, मैं ग्वालियर में मेरा फर्स्ट नेशनल था वो, फिर उसमें मुझे सिल्वर आया था लेकिन मैं बहुत अच्छा खेली थी। तो उस दिन मैंने मतलब जो स्टार्ट हुआ था और आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं बॉक्सिंग छोड़ू, तो एक तरह से मेरी लाइफ का एक मतलब पार्टनर ही हो गया कि बॉक्सिंग है तो ऐसा। तो उसके बाद में और जो फैमिली सपोर्ट है मेरा, फैमिली और कोच का सपोर्ट मेरा बहुत अच्छा है, और मेरे पापा हमेशा सपोर्टिव रहे, मेरी पूरी फैमिली, मेरे 2 बड़े भाई हैं वो बहुत सपोर्टिव है, मेरे जो कोच है गणेश पुरोहित सर वो बहुत सपोर्टिव है, और जो हमारे महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी है मतलब राकेश तिवारी सर, वो अमर भैया और निहाल भैया बहुत मतलब देखा जाए तो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी मेरा रहता है तो वो ही देखते हैं, तो उनके सपोर्ट के बिना अगर मैं यहाँ हूँ तो उनके सपोर्ट के बिगैर मतलब नहीं होती मैं। तो इनके लिए सबको मैं थैंक यू बोलूँ कि आपने सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन, कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज हम इंटरव्यू नहीं किए होते। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपने जिद की और आपकी जिद आपके पेरेंट्स ने मानी, अगर नहीं माने होते तो हमको करंट वर्ल्ड चैंपियन नहीं मिली होती, है ना। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि आपने बॉक्सिंग ही क्यों चुना,
ओके ये तो मैंने पूछ लिया ओके बॉक्सिंग क्यों चुना, अब मुझे ये जानना है कि बॉक्सिंग ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया, क्या चेंजेस लाया, कि बॉक्सिंग से पहले आपकी लाइफ थोड़ी अलग रही होगी एंड बॉक्सिंग के बाद क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आए, ये हम सबको बताइए। मैम जैसे कि अब जब मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करने की थी उसके पहले तो आपकी एक जो पहचान रहती है उस टाइम पे कुछ नहीं रहती है, मैं एजुकेशन में ज्यादा थी आपकी स्कूल्स वगैरह रहती है, तो मैं जब 8th में थी मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट करी तो जैसे जैसे मेरे अचीवमेंट्स आने गए तो वैसे वैसे जैसा एक रहता है पेरेंट्स का मतलब कि आप मतलब मेरे नाम से पेरेंट्स को जानते कि हाँ कहीं भी जाते हैं तो एक वो जो फील रहता है वो अलग ही रहता है कि अल्फिया के पापा है, कि अल्फिया की मम्मी, अल्फिया के भाई है, तो ये चेंज आया है जो तो बहुत ही मतलब खुशी होती है जब कोई बुलाता है सब, तो ये मतलब बॉक्सिंग से मुझे मिला है जो। और ये दिस इज बोलते ना वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज थ्रू सेंस वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली, हमारे नाम से अगर हमारे पेरेंट्स की पहचान बनती है, हमारे नाम से उनको जाना जाता है, इससे ज्यादा हमको चाहिए क्या लाइफ में, यू हैव अचीव्ड अ लॉट डार्लिंग। ओके आपका फ्यूचर गोल क्या है, मतलब आप फ्यूचर में और क्या करना चाहती है, मतलब बॉक्सिंग में और क्या अचीव करना चाहती है? जी अब बॉक्सिंग ही मैंने ऐसा करियर लिया है स्पोर्ट्स का, अब तो बॉक्सिंग में ऐसा है कि जब तक अब मैं लास्ट मतलब ओलंपिक ही सबका रहता है, सभी बच्चे जो स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं उनका एक ही टारगेट रहता है मेन कि मैं ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँ और मेडल लाऊं गोल्ड इंडिया के लिए, तो मेरा वही रहेगा। और जैसे कि मैं अभी अभी एक देखा जाए तो यूथ से मैं अभी सीनियर हुई हूँ, तो मेरा वही रहेगा कि मेरी जो सेम अचीवमेंट यूथ में थी वो सेम अचीवमेंट मैं सीनियर लेवल पे भी दूँ अपने महाराष्ट्र को, और यही मेरा फ्यूचर है, फ्यूचर गोल रहेगा। We wish you best of luck for your future goals. And एक आखिरी ये International Women's Day के अवसर पर आप आपके जो बाकी boxers, female boxers या फिर male boxers जो ये interview देख रहे हैं उन्हें क्या message देना चाहेंगे? मतलब मेरे जितने भी साथी और जो ये सब इंटरव्यू देख रहे तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका कभी कभी रहता है कि आज मेरा जैसे हम बॉक्सिंग में तो कभी कभी हमारी बॉडी नहीं चलती कि आज मेरा दिन नहीं है, कि आज मेरे मतलब किस्मत साथ नहीं थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप बिलीव करेंगे तो हर दिन मतलब हर दिन आपको ही रहता है, आपको सिर्फ बिलीव करना है कि नहीं मैं आज करूँगी, क्योंकि हर दिन एक नई सुबह होती है और आपको एक नया मतलब नया दिन मिलता है, तो आप इसी पे अगर फोकस करें कि नहीं मैं आज अच्छा नहीं करी तो मैं कल करूंगी, तो आपको श्योरली आपको सक्सेस मिलेंगी। और मेरा तो यही मानना, मैं यही लेके चलती हूँ, मेरे से आज अच्छा नहीं हुआ तो मैं कल और अच्छा खेलूंगी, तो मैं यही कहूंगी सब। Thank you, Alfia. On behalf of MBA Women Summit members, wish you best of luck for your future. Keep achieving your goal and keep inspiring us and making us proud. Thank you, darling, for being on board. Thank you. Now for the next superstar interview, I would like to call upon my teammate, Purva Kherkar. धन्यवाद मैडम, मैं पूर्वा खेरकर आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर आप सबका स्वागत करती हूँ, और स्वागत करती हूँ हम आपने आगे आने वाले खिलाड़ी का जिसने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा हमारे राज्य का और हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है। आइए मिलते हैं सिमरन वर्मा जी से। आज इस कार्यक्रम में जहाँ हम प्रतिभाशाली बॉक्सर की उपलब्धि एवं जर्नी के बारे में उनके बारे में जान रहे हैं, सिमरन वर्मा जी 17 साल की भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने एशियन यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन में मेडलिस्ट रही है। सिमरन जी का जन्म 12 अगस्त 2004 को हुआ था। 2021 की यूथ नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, साथ ही साथ इसी वर्ष में एशियन यूथ चैंपियनशिप जो दुबई में हुई थी इसमें आपने सिल्वर मेडल देश के लिए प्राप्त किया है। 2019 की सर्बिया नेशन कप में आपने 52 किलो वजनगट में रजत पदक प्राप्त कर भारतीय पदक तालिका में एक नया मकाम जोड़ा है। 2018 में सिमरन जी ने सब जूनियर नेशनल स्तर पर कांस्य पदक प्राप्त किया था। 2017 की जूनियर नेशनल में आप रजत पदक की दावेदार रही है। इसी के साथ आपने 6 बार राज्य स्तरीय सुवर्ण पदक प्राप्त कर गोल्डन गर्ल के नाम से अपना नाम रोशन किया है। सिमरन वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। सिमरन फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन हु इज अराउंड हियर एंड हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच महाराष्ट्र फेडरेशन जो अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे या जो भी फीमेल बॉक्सर्स हैं
उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके हार्ड वर्क को, उनको थैंक यू सो मच। ये आपका बड़प्पन है और साथ ही हम आपको धन्यवाद अदा करते हैं क्योंकि आपने आपका बहुत और महत्वपूर्ण समय जो इवनिंग प्रैक्टिस सेशन होता है आज आपने हमारे लिए दिया और आप यहाँ आज उपस्थित रहे हैं। सिमरन जी, हम इसकी हम आपके बारे में जितना बता सके हैं शायद वो कुछ ही शब्द होंगे। अभी तक की आपका परिचय आप कैसे देना चाहेंगे सिमरन जी? एक्चुअली मैम आपने ऑलमोस्ट सब बता ही दिया और मैंने मतलब बॉक्सिंग महाराष्ट्र से ही स्टार्ट किया। मतलब मेरा प्रॉपर मेरा बर्थ बिहार का है, मैं पटना से बिलोंग करती हूँ बट काफ़ी मतलब बचपन से मैं महाराष्ट्र में ही रही हूँ और जो मतलब मैंने जर्नी यहीं से स्टार्ट किया। नॉर्मली मतलब पहले मैं एथलीट थी, एथलेटिक्स करती थी कुछ टाइम जब मैं छोटी थी, ऐसे कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब स्पोर्ट्स में जाना है या कुछ भी, तो जनरली मैंने स्टार्ट किया था बट बाद में मेरे परफॉर्मेंस अच्छे आने लगे, स्टेट चैम्पियन बने, फिर नेशनल्स में गई, वहाँ पे न्यू एक्सपीरियंस मिला कि हाँ ये लाइफ भी होती है, ये थोड़ी अलग लाइफ है। मेरी रिस्पेक्ट मतलब अलग हुई स्कूल में, अलग अप्रिसिएशन टीचर्स से, मतलब थोड़ा अलग ध्यान देना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ मेरी एक अलग पहचान है क्लास में, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट हुआ। मैम कैन यू हियर मी? जी या सिमरन जी, हम आगे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि आपने एथलेटिक्स से इसकी शुरुआत की थी और फिर आप बॉक्सिंग की तरफ बढ़ी है, तो क्या प्रेरणा रही है आपकी कि आपने बॉक्सिंग को एज अ खेल चुना है और आज आप इस उपलब्धि पर हैं? मैम बॉक्सिंग मैंने मतलब पहले मुझे बीमारी थी, मुझे अस्थमा था, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप रनिंग या कुछ ऐसे स्टार्ट करो, तो मैंने रनिंग एथलेटिक्स चूज किया था कि ठीक है मुझे मतलब अगर बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगा तो मे बी मैं रिकवर कर पाऊँ उस चीज़ से, और वो काफ़ी मतलब ज़्यादा था मुझे, बहुत सीरियस था, तो फिर मैंने वैसे एथलेटिक्स ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स लाइन में आई। उसके बाद फिर मुझे कोचेज ने सजेस्ट किया कि आप एथलेटिक्स करते हो, आप अभी बहुत छोटे हो, आप कोई स्पोर्ट्स कर सकते हो, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, तो मैंने बोला कि मैंने सभी गेम देखा कि मतलब कैसे है, तब मैं छोटी थी तो मुझे सारे गेम अच्छे लगते थे कि हाँ चलो ये भी कर लो ये भी कर लो। फिर मैं बॉक्सिंग रिंग के पास गई, उस टाइम हमारे कोच थे जसवंत सिंह, मेरे फर्स्ट कोच, तो मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे बताया कि बॉक्सिंग ऐसे होती है, वहाँ पे फाइट चल रही थी एक लड़के की और एक लड़की की उस टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं स्टार्टिंग से मतलब कॉम्पिटिटिव रही हूँ, मुझे इस टाइप के गेम बहुत पसंद है, तो वो दोनों की फाइट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और लड़की लीड कर रही थी तो मुझे और भी अच्छा लगा कि मुझे यही गेम करना है। और उस टाइम मुझे सर ने ग्लव्स भी दिया कि ये आपके लिए गिफ्ट है आप ले जा, मैं बहुत खुश हुई, तो घर पे मैंने जाके मम्मी को बोला, तो मम्मी थोड़ा स्टार्टिंग में ही थी कि एक तो बीमार रहती है ऊपर से मतलब थोड़ा लड़की है तो थोड़ा बहुत होता है कि हाँ बाद में, बट मम्मी ने मम्मी बहुत सपोर्टिव है मुझे पूरे गेम जर्नी में, मम्मी ने सपोर्ट किया, फिर मम्मा ने बोला ठीक है आप आपको अगर अच्छा लग रहा है कि आपको लगता है कर सकते हो तो स्टार्ट करने दिया मम्मी ने, मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मेरा फर्स्ट मैच था मैं हार गई थी, मैं काफ़ी रोई, फिर उस टाइम पे मम्मी ने समझाया कि ठीक है अभी आप बहुत छोटे हो, अभी बहुत कुछ अचीव करना है आगे। फिर मैंने मतलब नेक्स्ट टूर्नामेंट में मुझे स्टेट में गोल्ड मिला, उसके बाद फिर मैंने और एक स्टेट खेला उसमें भी गोल्ड मिला, तो कंटिन्यू गोल्ड आते रहे मेरे स्टेट में, फिर उसके बाद मतलब एक परफॉर्मेंस अब होता गया, फिर मैंने साई ज्वाइन किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पे फिर मैंने प्रॉपर मतलब हॉस्टल में रह के ट्रेनिंग स्टार्ट की, क्योंकि घर से प्रॉपर मतलब कितना भी ट्रेनिंग करे कुछ भी वो टाइम टेबल मैच नहीं हो पाता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए प्रॉपर, तो मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुई, मतलब यहीं पर मेरा घर था बट मैं हॉस्टल में रहती थी स्पोर्ट्स सेंटर में, कि मेरा टाइम टेबल प्रॉपर हो, मेरी ट्रेनिंग मेरा खाना पीना सब टाइम से हो, तो वहाँ से मतलब मैंने स्टार्ट किया जर्नी अपना, फिर मैंने पिक करते गए और मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा आने लगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, ये जान के बहुत खुशी होती है कि आपने अपने जीवन में इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है, अपने आप को देश को सौंपते हुए अपने आप अचीवमेंट आगे बढ़ाए हैं, मगर इस सभी रोल के दौरान, ये सभी कार्य करने के दौरान माता पिता का सहयोग, जैसे कि आपने बताया कि आपके कोच ने आपको मोटिवेट किया, आपको गिफ्ट दिया, ग्लव्स गिफ्ट की में किए हैं, आपको प्रशिक्षण देते हैं, आज आप हॉस्टल में हैं, ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग है, तो इस सब में माता पिता का एक विशेष लक्ष्य, एक विशेष सहयोग आपके साथ होता है,
उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरी मम्मा सिंगल मदर है, तो उनके लिए काफी टफ रहा, और हम मेरे दो और भाई हैं, बट मम्मी ने कभी भी मतलब ये चीज नहीं किया कि नहीं इस रीजन की वजह से नहीं कर पाऊंगे मैं या कुछ भी, मेरे डाइट में या मेरे किसी भी चीज में, मुझे शूज अच्छे चाहिए ट्रेनिंग के लिए, तो मम्मी ने कभी मतलब पीछे नहीं हटी, कुछ भी मना नहीं किया, नहीं हमेशा मतलब सपोर्ट किया कि ठीक है मैं मेहनत करूंगी, करो, वो चीज देख के मेरा मतलब और मेहनत करता कि नहीं मैं इससे डबल मेहनत करूँ, मेरी मम्मा इतने मेहनत कर रहे, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि मेरी मम्मी इतना सपोर्ट कर रही है मुझे, मेरे पीछे खड़ी है हमेशा, तो वो चीज मुझे इंस्पायर करती है। सही सही बात है, और मुझे तो लगता है कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर हमने आपके माता को सलूट करना चाहिए कि उन्होंने इतना बेहतरीन हीरा हमारे देश के लिए दिया है, एवं उनका खुद का सैक्रिफाइजेशन कितना होगा ये हम जान पा रहे हैं जिन्होंने आपको इतना सहयोग किया है। अच्छा, इससे अपार्ट में एक बात आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप अस्थमा से ठीक होने के लिए फिजिकल एक्टिविटी में आई हैं और आपने बॉक्सिंग को चूज किया, तो आप अस्थमा और बॉक्सिंग इन दोनों को किस तरह से हैंडल कर पाती हैं? मैम एक्चुअली स्टार्टिंग में काफी टफ था क्योंकि मेरा अस्थमा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, तो मुझे आधा हाफ टाइम तो मैं हॉस्पिटलाइज रहती थी हाफ टाइम ट्रेनिंग पे, तो इस चीज में मतलब साई ने भी काफी सपोर्ट किया मुझे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफी फाइनेंशियली मतलब हेल्प मिला मुझे वहां से, मेरे मेडिकल मतलब जो भी इंश्योरेंस वगैरह तो उससे मुझे काफी हेल्प मिला, उसके बाद मतलब थोड़ा ठीक हुआ, बेटर हुआ, अब बिल्कुल नॉर्मल है धीरे धीरे, मतलब पहले स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल हुआ, मतलब ट्रेनिंग मिस होते थे मेरे कभी 15 दिन, फिर एक हफ्ता ट्रेनिंग किया, फिर 20 डेज ऐसे गैप होते थे, बट स्लोली स्लोली वो कवर हुआ, रिकवर हुआ, तो मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत 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 बढ़िया, और शायद ये एक स्पेशल संदेश है कि मेहनत से आगे खिलाड़ी बनता ही है, मगर अपने फिजिकल डिफिशियंसी को हम आगे बढ़ाकर, जैसे आपने अस्थमा का मतलब अगर प्रॉब्लम है तो ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकती या कुछ भी, मैं कर सकती हूँ, अगर मुझे प्रॉब्लम है बट मैं कर सकती हूँ, या यही जज्बा जो खिलाड़ियों को मजबूत बनाता है, और एक नई प्रेरणा लेके आप हमारे देश के सामने आएंगे, हमें पूरी आशा है। हम ये जानना चाहते हैं कि आज आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही है, हालांकि आपका एक मोटिव ओलंपिक की ओर जरूर होगा, मगर ओलंपिक के अलावा आप बॉक्सिंग को और जीवन में किस तरह देखना चाहेंगी, या फिर क्या देखना चाहती है, आपकी क्या इच्छाएं हैं बॉक्सिंग को लेकर के? मैम आप कैटी टेलर के बारे में जानते होंगे, काफी फेमस बॉक्सर है वो, और मोस्टली सभी वुमेन्स की फेवरेट बॉक्सर है वो जी। तो मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ, और मतलब उनको देख के मतलब मैंने उनकी बाउट देखी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के ओलंपिक्स से पहले, तो तब मेरे दिमाग में ये होता कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, इंडिया से मुझे गोल्ड लाना है। फिर उसके बाद मैंने मैरी दी का देखा, उन्होंने भी मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे, बट उनके अलावा कोई और वुमेन नहीं दे पाई है अभी तक, तो मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं दो वर्ल्ड चैंपियन बनूँ, मेरा ड्रीम है, मेरे मम्मा को मैं प्राउड फील करवाऊँ, उस स्टेज पे लेके जाऊँ कि मम्मा देखो आपकी डॉटर वर्ल्ड चैंपियन है, और मतलब मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ और भी लड़कियों को, पटना साइड बिहार साइड से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स को इतना नहीं देते वैल्यू कि हाँ लड़कियाँ करे या कुछ भी, इतना नहीं है, तो मैं चाहती हूँ मैं उस साइड भी इंस्पायर कर पाऊँ लोगों को, लड़कियों को, कि हाँ वो आए वो कुछ करे और मेडल्स ले, क्योंकि कर सकती है वो, और मतलब जिस लायक आप अपने आप को समझे कि हाँ मैं इस लायक हूँ, मैं कैपेबल हूँ इस चीज के, जो दबा के रखते बट वो कर सकते, काफी अचीव कर सकते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं, हमारी शुभकामना है आपके साथ कि आप देश की आइकॉन बने, आइडल बने, और आपको देखकर ही आपके शहर के हो या हमारे राज्य के हो, देश के सभी महिला खिलाड़ी आगे बढ़े और बॉक्सिंग में नाम ऊंचा करें। शुक्रगुजार हैं हम आपके मम्मी के भी जिन्होंने आपको सहकार्य किया, और भगवान करे कि आपके मम्मी को लेकर के आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर खड़े होकर के सम्मान प्राप्त करें। हम ये जानना चाहेंगे या फिर इस महत्वपूर्ण दिन पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पर, आप एज ए खिलाड़ी, आप एज ए महिला बॉक्सर, एक इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल आपने प्राप्त किया है, साथ ही आपने अस्थमा को भी डिफेक्ट करके डिफेंड करके जो आगे गए हैं, आप इस सब के बारे में हमारे दर्शकों को, नए आने वाले बॉक्सर्स को
क्या संदेश देना चाहेंगे इस महिला दिन के अवसर पर? बस ये मैम कि आप खुद पे भरोसा रखो, कुछ भी कर सकते हो, खुद पे ट्रस्ट करो कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है बट ये हमेशा थोड़ी रहेगा, इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, क्या पता वो ठीक हो जाए। एक चांस दो अपने आप को कि हाँ मैं और अचीव कर सकती हूँ, एक लेवल पे गए मैं और अचीव कर सकती हूँ। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर बिलीव करो कि हाँ मैं बहुत डिजर्व करती हूँ अपनी लाइफ में, इससे ज्यादा और डिजर्व करती हूँ, मुझे और चाहिए। तो वो चीज़ होनी चाहिए, हर एक लेडी में है वो चीज़, हर एक वुमेन में है, बट कभी कभी वो मतलब अपने ऊपर डाउट करते कि नहीं मुझसे नहीं होगा, होगा सब होगा, अपने ऊपर बिलीव करो। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जज्बे को, आपकी मेहनत को, और देश के लिए आपने जो गौरव हासिल किया है जो भविष्य में भी आप करेंगे उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप यहाँ आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूर्वा खेरकर चंद्रपुर से इसी बात पर विदा लेते हुए अपना ये माइक आगे प्रोफेसर संगीता बांबोड़े जी को हैंड ओवर करना चाहूंगी कि अगले बॉक्सर को बुलाए एवं उसे परिचय करवाए। प्रोफेसर संगीता बांबोड़े जी। धन्यवाद पूर्वा। नमस्कार, मी संगीता बांबोड़े, एमबीए विमेन समिट टीम लीडर। सर्वप्रथम सर्व महिलांना जागतिक महिला दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज दिनांक 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त आयोजित बॉक्सिंग जर्नी ऑफ द चॅम्पियन ह्या कार्यक्रमात आमच्या सोबत बॉक्सिंगचा प्रवास या विषयावर चर्चा करण्यासाठी येत आहे जिने जागतिक स्तरावर बॉक्सिंग या क्रीडा प्रकारात आपले, आपल्या परिवाराचे, गावाचे, राज्याचे आणि देशाचे नाव लौकिक केले, तसेच क्रीडा क्षेत्रात आपल्या नावाची ओळख निर्माण केली। स्वीडन येथे 2020 मध्ये झालेल्या गोल्डन गर्ल्स बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप मध्ये पदक प्राप्त महिला बॉक्सिंग खेळाडू साक्षी जगदाळे। वेलकम साक्षी। थँक यू मॅम। नमस्कार साक्षी, जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हाला पण मॅम, आणि जेवढ्या पण सगळ्या महिला जॉईन आहेत त्यांना पण हॅपी इंटरनॅशनल वुमेन्स डे। साक्षी, मी तुला तुझा अल्पशा परिचय आम्हाला देशील असं मी तुझ्याकडनं इच्छा व्यक्त करते। नमस्कार, गुड इव्हनिंग टू ऑल। माझं नाव साक्षी पानुदास जगदाळे आहे। मी स्वीडन येथे झालेल्या 2020 मध्ये झालेल्या, हॅलो आय एम ऑडिबल? यस यस साक्षी। मी 2020 मध्ये झालेल्या स्वीडन येथे गोल्डन गर्ल चॅम्पियनशिप मध्ये मला ब्रॉन्झ मेडल आहे। मी टोटल 4 नॅशनल खेळले आहे, त्या एका नॅशनल मध्ये मला सिल्वर मेडल, तर एका नॅशनल मध्ये मला ब्रॉन्झ मेडल आहे। तरी मी स्टेट मध्ये 5 गोल्ड आहेत, मला 5 टाइम गोल्ड चॅम्पियन आहे मी। थँक्यू, खूप छान अचीवमेंट आहे आणि नक्कीच तू भविष्यामध्ये सुद्धा असेच अचीवमेंट करत राहशील बॉक्सिंग मध्ये। साक्षी, मी तुला विचारू इच्छिते की एक खेळाडूच्या जडणघडणीत तुझा परिवार आणि तुझे प्रशिक्षक यांची भूमिका खूप महत्वाची आहे, आणि त्यांच्यापासून तू कशा प्रकारची प्रेरित झालेली आहे या विषयावर तू तुझे मत व्यक्त करशील अशी मी तुला रिक्वेस्ट करते। हो मॅम, माझ्या पप्पाला ना पहिल्यापासून स्पोर्ट्स पर्सन बनायचं होतं, पण त्यांना रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुळे वगैरे सगळ्या गोष्टींमुळे त्यांना बनता नाही आलं। तर ते मला नेहमी सांगतात की साक्षी, माझ्याकडे काही नव्हतं, माझ्याकडे तेवढा टाइम नव्हता, तेवढा हे नव्हतं, टाइम वगैरे नव्हता, तर तुझ्याकडे सर्व आहे, तू ते केलं पाहिजे, तुझ्याकडे सपोर्ट आहे सरांचा, माझे सर खूप सपोर्टिव्ह आहेत। आणि उलटे साईडला माझ्या मम्मीचा आधी मला एवढा सपोर्ट नव्हता, ती बोलायची की साक्षी हे काय करतेस, ह्याने थोडी ना काय होणार आहे, करिअर बनणार आहे, तू अभ्यास कर, बॉक्सिंग तू कधीपर्यंत खेळणार, जोपर्यंत तुझं वय आहे खेळण्याचं तोपर्यंत खेळणार, पण अभ्यास तुला पूर्ण आयुष्यभर तुला कामी येईल। तेवढं बरोबर पण आहे, पण मग आता मला स्टेटमध्ये गोल्ड मेडल लागत गेले, तेव्हापासून मग माझ्या मम्मीचा वे ऑफ थिंकिंग पण चेंज झाला। किती बोलते की ठीक आहे, आता तुला हे चांगलं वाटतंय, तुझ्यासाठी चांगलं, तर तू ते कर, पण तू असं नाही की तू अभ्यास पण सोडला पाहिजे। मग तिचं आता म्हणणं की तू 50% बॉक्सिंग कर, तू 50% अभ्यास कर। आणि माझ्या सरांचं नाव अविनाश चेंडकर, त्यांनी मला स्टार्टिंग पासून थ्रू आउट सपोर्ट केलाय। ते माझे बेसिक कोच आहेत, माझ्या बेसिक पासून ते माझ्या इंटरनॅशनल बनण्यापर्यंत
जे काही आहे ते सर्व मला सरांनी दिले, त्यांच्यात त्यांच्या शिकवण्याप्रमाणे मी माझ्या मॅच मध्ये ते युज करत गेली. त्यांचाच गायडन्स मी माझ्या मॅच मध्ये युज केला. तेच माझ्या लाईफ मधले माझे मेंटॉर आहेत. माझी 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 बेसिक पासूनची इंटरनॅशनल पर्यंतची जर्नी ही माझ्या फॅमिलीमुळे आणि सरांमुळे एवढी सफल झाली आहे. ते नसते तर मी काही नसते. ओके साक्षी, खरं सांगायचं म्हणजे की प्रयत्नामुळे समोरच्याचे आपण व्ह्यू चेंज करू शकतो. हा एक तुझा खडतर प्रवास होता आणि या प्रवासामध्ये तुला फॅमिलीचे व्ह्यू चेंज करण्यासाठी खूप तुझी मेहनत इथे म्हणजे रंग आलेली आहे असं म्हणावं लागेल. साक्षी, मला विचारायचं आहे की बॉक्सिंगमध्ये तुझ्या जीवनात काय परिवर्तन झाले आहे आणि या परिवर्तनाला तू सकारात्मक दृष्ट्या कशी बघते? Yes, बॉक्सिंग तुम्हाला ना एक वेगळा सेल्फ कॉन्फिडन्स देते. स्वतःला कसं रिप्रेझेंट करायचं, कसं राहायचं, कसं बोलायचं हे आपण एका स्पोर्ट्स मधून शिकतो. पंक्च्युअलिटी, आपण किती वेळेवर असं राहिलं पाहिजे, किती वेळ महत्वाची आहे, आपल्याला एक स्पोर्ट शिकवतं. आणि माझ्या घरच्यांचे माझ्या रिलेटिव्हचे पण खूप विचार बदलले की म्हणजे आधी काय नॉर्मल ठीक आहे पण आता त्यांच्या पण माझ्याकडनं अपेक्षा असतात. त्यांचं पण असतं अच्छा ही तर बॉक्सर आहे, ही अशी करते, ही ह्या लेवलला खेळली आहे. त्यांचं पण असं असतं. आता मग ते आधी मग असे लोक बोलायचे की काय तू बॉक्सिंग काय खेळतेस एवढं असं, म्हणजे ह्याने काय होणार आहे. पण आता मला इंटरनॅशनल मेडल लागल्यानंतर उलट त्यांच्या अपेक्षा वाढल्यात की अच्छा तुझी नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे, तू आता अजून काय करणार आहे, तू पुढे कुठे खेळायला जाते. हे मला बॉक्सिंगने शिकवलं की आपल्याला बॉक्सिंगमुळे आपण वे ऑफ थिंकिंग पण चेंज करू शकतो आपण एका स्पोर्ट्समुळे. ओके थँक्यू. बॉक्सिंग साक्षी, मला एक विचारायचं आहे की बॉक्सिंगला तू भविष्यामध्ये कशा प्रकारे बघू शकते आणि बॉक्सिंगसाठी तू काय प्रयत्न करशील भविष्यात? हॅलो, ऑडिबल मी साक्षी? हा, परत मी तुला विचारते की बॉक्सिंगला तू भविष्यामध्ये कशा प्रकारे बघू शकते आणि तुझे बॉक्सिंगसाठी काय प्रयत्न असतील या विषयावर थोडं आम्हाला सांगशील तर ठीक राहील. मॅम, मी आता सध्या लास्ट इयर पर्यंत मी युथ होते, आता मी सिनियर झाले. तर मला माझं तेच आता युथ मी जे होते ते गोल्ड घेत होते, मी ज्युनियर युथ मध्ये जे गोल्ड घेतले ते मला आता सिनियर मध्ये मेंटेन ठेवायचं आहे. मी नॅशनल सिल्वर मेडल आहे पण माझं आता नेक्स्ट स्टेप असेल की मला सिनियर मध्ये नॅशनल गोल्ड पाहिजे. ती माझी नेक्स्ट आता हे असेल की मला नॅशनल मध्ये गोल्ड घेतला पाहिजे. आता मी त्या वर्षी मी थोडं एका पॉइंटनी ते नॅशनल गोल्ड मेडलिस्ट होण्यापासून मी राहिले पण ह्यावेळेस मी ते नक्कीच करेन. ते माझे गोल्स असतील. नक्कीच साक्षी, तुझ्या प्रयत्नाला नक्कीच यश मिळो आणि नक्कीच तुला गोल्ड मेडल, गोल्ड पदक, हे सिल्वर पदक, गोल्ड पदक आणि देशाचे नाव लौकिक होईल अशी अपेक्षा आम्ही करतो. आज जागतिक महिला दिनानिमित्त तू महिला बॉक्सिंग खेळाडूंना काय संदेश देऊ इच्छिते? मॅम, मला सगळ्यांना एवढंच सांगायचं की लेडीजनी गर्ल्सनी आपल्या लाईफमध्ये ना एकदा ना कधी कोणत्या तरी एक स्पोर्ट्समध्ये पार्टिसिपेट केलं पाहिजे. स्पोर्ट्स तुम्हाला सगळ्या गोष्टी शिकवतो, स्पोर्ट्स तुम्हाला पॉझिटिव्ह वे शिकवतो. जर तुम्ही स्वतःच्या सेल्फवर बिलीव्ह केलं तर सगळं असं नाही बोलू शकत यार आज नाही होणार, हे नाही होणार. जर तुम्ही बोलात की नाही मला करायचं आहे, जर तुमची इच्छा असेल, इच्छाशक्ती असेल तर तुम्ही सगळं करू शकता. त्याबरोबर तुमचे प्रयत्न पण पाहिजेत. ओके थँक्यू साक्षी. साक्षीने जो प्रवास, जो बॉक्सिंगचा प्रवास आहे खूप खडतड होता आणि जे विचार करण्याची लोकांची जे बॉक्सिंग बद्दल आणि खास करणं महिला बॉक्सिंगची जी विचार करण्याची इच्छाशक्ती होती, विचार करण्याची जी शक्ती होती की खूप वाईट पद्धतीने विचार करतात की महिलांनी बॉक्सिंग खेळलं नाही पाहिजे, पण साक्षीच्या प्रयत्नामुळे ते साक्षीने बदलवलेली आहे, चेंज केलेली आहे. आणि नक्कीच ज्या महिला इथे आज बॉक्सिंग खेळू इच्छितात, बॉक्सिंगला जॉईन कर, त्याला नक्कीच तुझ्यापासून प्रेरणा मिळाली आहे. यानंतर मी दुसऱ्या बॉक्सरला बोलवण्यासाठी माईक हँड आउट करत आहे, मालिनी सिंग. थँक्यू सो मच. इस सुपरस्टार बॉक्सर का इंटरव्यू बेसिकली हमारी प्रोजेक्ट हेड मिस प्रियदर्शना
देवी पडवल करने वाली थी बट उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण हेल्थ इश्यूज के कारण ये इंटरव्यू मैं कर रही हूँ. आई होप प्रिया मैम यू गेट वेल सून. नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम अवर नेक्स्ट सुपरस्टार बॉक्सिंग चैंपियन साक्षी गैदानी. शी हैज वन मेनी मेडल्स एट इंटरनेशनल लेवल टू नेम फ्यू. साक्षी गैदानी has won bronze medal at AIBA Youth World Boxing Championship held at Budapest in 2018, silver medal at Asian Youth Women Boxing Championship held at Thailand in 2018, bronze medal at the Golden Glove at Serbia in 2018. Welcome, dear. Thank you for joining us and happy International Women's Day to you. Thank you, ma'am. साक्षी हम बेसिकली हमें जानना है कि आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड आपके अचीवमेंट्स के बारे में. ये तो मैंने कुछ ही अचीवमेंट्स के बारे में बताया है. आपके अचीवमेंट के बारे में आपके बॉक्सिंग जर्नी के बारे में हम सब लोगों को बताइए. सगळ्यात पहिले तो मी सगळ्या उपस्थित मान्यवरांना माझा नमस्कार. आणि सगळ्या महिला बॉक्सर्स जेवढ्या पण महिला आता जुडलेल्या आहेत त्यांना महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझं नाव साक्षी उमेश गायधनी. मी तसं प्रॉपर नाशिकला नाशिकवरनं बिलॉंग करते पण माझे पप्पा म्हणजे अकोल्यावरनं 30 किलोमीटर्स दूर छोटस पारस म्हणून गाव आहे तिथे एमएससीबीला कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. तर ते आम्ही तिथे राहत होतो. तर माझी म्हणजे मी अकोल्याला आली होती एका प्रोग्रामसाठी. तर तिथे म्हणजे मी एका तिथे माझे भट सर म्हणजे जे कोच आहेत सतीशचंद्र भट सर त्यांच्याशी माझी ओळख झाली. त्यांनी मला पाहिलं आणि त्यांनी मला प्रश्न विचारला की तू काय करते. तर मी त्यांना सांगितलं सर मी 7th स्टँडर्डला आहे. तर त्यांना त्याच्यावर बिलीव नाही झालं कारण माझी हेल्थ आणि हाईट ही लहानपणापासूनच चांगली होती. त्याच्यामुळे मग त्यांना ते त्याच्यावर विश्वास नाही झाला. ते बोलले की तू खरंच 7th स्टँडर्डला आहे. म्हटलं हो सर. ते बोलले मला वाटलं की तू कॉलेजमध्ये असशील किंवा म्हणजे असं. ते म्हटलं नाही सर मी 7th स्टँडर्डला आहे. तर ते बोलले तू काय करते. म्हटलं सर मी काही नाही फक्त स्टडी करते पारसला राहते 30 किलोमीटर सोर्स अपडाऊन करते. तर मग ते बोलले की तू बॉक्सिंग करशील का. तर पहिले म्हणजे पहिले तर मला म्हणजे स्पोर्ट्सची आवड होती पण पर्सनली असं बॉक्सिंग वगैरे मी काही एवढं मला माहिती नव्हतं. तर मी म्हटलं सर माझ्या मम्मी पप्पांना विचारावं लागेल. तर मम्मी पप्पांना बोलली मम्मी पप्पांशी. तर पहिले मम्मीला थोडीशी भीती वाटली की बा म्हणजे मुलगी आहे मुलीला बॉक्सिंग अशा सारख्या खेळात कसं टाकायचं. पण सर आणि सरांचं आणि मम्मीचं बोलणं झालं. तर म्हणजे बोलणं झाल्यानंतर मग मम्मीने डिसिजन घेतला की ठीक आहे करायचं काहीतरी बॉक्सिंग मध्ये तिला घडवायचं. पण माझ्या मम्मीला म्हणजे खूप म्हणजे लोकांचं हे आलं म्हणजे खूप लोक बोलले की मुलगी आहे मुलीला बॉक्सिंग सारख्या खेळात काय टाकते म्हणजे तो एक मारामारीचा गेम आहे. तर त्या मारामारीच्या गेम मध्ये तू तुझ्या मुलीला कसं काय टाकू शकते. त्यानंतर तिला काही चुकीचं लागून जाईल वगैरे तिचं पुढचं लाईफ म्हणजे आहे तिला लग्न करायचं वगैरे. खूप असं म्हणजे खूप काही काही बोलले माझ्या मम्मीला. खूप काही माझ्या मम्मीने सहन केलं पण ती माझ्या पाठीमागे एका ढालीप्रमाणे उभी राहिली आणि ती आजही माझ्या पाठीमागे एका ढालीप्रमाणे उभी आहे. प्रत्येक स्टेटमध्ये प्रत्येक नॅशनलला जिथे जिथे मला तिची गरज आहे स्पेशली ती माझ्या तिथे येते. आणि त्याच्या मागे माझ्या पप्पांचा खूप सपोर्ट आहे तिला. तिने म्हणजे मी जेव्हा म्हटलं की मम्मी मला तुझी ह्या मॅचेसला गरज आहे तेव्हा पप्पांनी कधीच नाही म्हटलं. पप्पांनी नेहमी तिला हो म्हटलं की ठीक आहे साक्षीला तुझी गरज आहे तर तू तिथे जा. आणि असं बॉक्सिंग मध्ये म्हणजे मी येऊन मी शिकत होती तर सोबत सोबत ती पण जुळायला लागली. तिने पण म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राच्या स्टार 1 ची परीक्षा आहे ती तिने दिली आहे. त्याच्यानंतर ती आता महाराष्ट्राच्या नॅशनलमध्ये म्हणजे खूप नॅशनलमध्ये ती ऍज अ टीम कोच म्हणून गेली आहे महाराष्ट्र स्टेटमध्ये. जेव्हा आमच्या अकोला स्टेटकडनं पण ती ऍज अ टीम कोच म्हणून येते आमच्या सोबत. असा माझा म्हणजे बॉक्सिंगचा प्रवास होता. आणि मी आतापर्यंत 8 गोल्ड मेडल घेतले आहेत स्टेटमध्ये. 3 गोल्ड मेडल नॅशनलला घेतलेले आहेत. 1 ब्रॉन्झ आहे मला. सिल्वर मेडल आहे मला एशियन चॅम्पियनशिपला.
आणि वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला ब्रॉन्झ मेडल आहे. So I must rightly say कि आपके सक्सेस के पीछे I should rightly say कि आपके सक्सेस के पीछे वो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर एक महिला है, राइट? विच आर हैप्पी वुमेन्स डे फ्रॉम माई साइड एज वेल. ओके, मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट आपने आपके पहले क्वेश्चन में दे दिया, पेरेंट्स के सपोर्ट के बारे में और कोचेस के सपोर्ट के बारे में. यू आर लकी टू हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम बिहाइंड यू. पर एक भाग उस क्वेश्चन का अभी भी बाकी है, आपने बॉक्सिंग क्यों चुना? नो डाउट सर ने आपको चुना कि आप बॉक्सिंग करिए क्योंकि आपकी फिजिक अच्छी थी, बट किसी के इन्फ्लुएंस करने या किसी के सजेशन देने से पहले हम अपनी सुनते हैं कि क्या हमें ये स्पोर्ट्स करना है, क्या ये स्पोर्ट्स हमारे लायक है या क्या हम ये कर सकेंगे. तो ये क्या थॉट प्रोसेस था आपका जिसने आपको मोटिवेट किया कि बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट्स लेने के लिए, चूज करने के लिए? सरांनी मला हे केलं की तू बॉक्सिंग कर, तर मी म्हणजे स्टार्टिंगला मला पण एवढं समजत नव्हतं की मी म्हणजे का बरं करते बॉक्सिंगच हा खेळ का बरं मी खेळते आहे. पण रेग्युलर मग मी ग्राउंडवर जायला लागली, हळूहळू प्रॅक्टिस करायला लागली. तर मी माझी फर्स्ट स्टेट चंद्रपूर इथे खेळली, तर तिथे मी हारली, मला पहिला एक ब्रॉन्झ मेडल लागलं. पण त्याच्यानंतर मग म्हणजे ते हळूहळू म्हणजे ते एक मेडल भेटलं मला, माझ्या हातात एक मेडल आलं, त्याने मग माझं अजून एक अशी इच्छा वाढत गेली की नाही मला अजून मेडल पाहिजे, मला म्हणजे अजून खेळायचं आहे, मला म्हणजे काहीतरी करायचं आहे. तर मग माझी ती तशी इच्छा बॉक्सिंग कडे वळत गेली की नाही आपण काहीतरी करू शकतो, आपण आहे तर आपण काहीतरी करू. आणि मग मला सेकंड स्टेट मध्ये लगेचच गोल्ड भेटलं, त्याच्यामुळे मला अजूनच आनंद झाला की मला गोल्ड मेडल भेटलं. त्याच्यामुळे माझी म्हणजे अशी हे चालू झाली बॉक्सिंग कडे. दॅट्स गुड. आप अचीव करने की जो आपकी इच्छा है, इच्छा शक्ति है, वो हमेशा ऐसे ही रखिए कि और आप और मेडल्स लाए और हमें और अपने आप को अच्छा फील कराए, हमें प्राउड फील कराए. थैंक यू. ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बॉक्सिंग से एक डिसिप्लिन आती है लाइफ में, एक अलग टाइप का शेड्यूल रहता है हमारा. बॉक्सिंग ने आपकी लाइफ में किस तरह का बदलाव लाया है? मैम बॉक्सिंग मध्ये माझ्या लाइफ मध्ये म्हणजे पहिले साक्षी गायधनी ह्या व्यक्तीला ह्या मुलीला कोणीच नव्हतं ओळखत. पण आता अशी परिस्थिती आहे की अर्ध अकोला साक्षी गायधनीला पर्सनली ओळखतं, पर्सनली नावाने ओळखतं. एवढंच नाही तर 2018 वेळेस इथे कलेक्टर सर होते, तर मी त्या टाइमला वर्ल्ड चॅम्पियनशिप साठी बुदापेस्ट मध्ये होती, तर आस्तिक कुमार सर होते कलेक्टर, तर मी तिथे बुदापेस्ट मध्ये होती. तर त्यांना जेव्हा माहिती पडलं की आपल्या अकोल्याची एक मुलगी देशाच्या बाहेर देशाला रिप्रेझेंट करायला गेली आहे, त्यांनी मला फेसबुकवर रिक्वेस्ट पाठवली होती. तर पहिले मी म्हणजे एवढं काही म्हणजे हे नव्हतं, ओळखत नव्हती मी त्यांना, पण म्हटलं यार कोणीतरी आहे म्हणून मी त्यांची रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली. तर ते माझ्यासोबत तिथे बुदापेस्टला बोलत होते, म्हणजे मी असं कधी बिलीव पण नव्हतं केलं की ऍज अ म्हणजे एक कलेक्टर कोणीतरी एक आहे जो एवढा मोठा व्यक्ती आहे तो माझ्यासोबत पर्सनली मला फेसबुकवर रिक्वेस्ट भेजे पाठवेल आणि माझ्यासोबत बोलेल. तर त्या टाइम मध्ये आम्ही म्हणजे टुर्नामेंट मध्ये होतो, तर मी सरांना म्हटलं, ते मला मेसेज करत होते, मी सरांशी बोलली, सरांना म्हटलं सर मी आता सध्या जेवण करायचा आमचा टाइम झालेला आहे, आता टीम सोबत गेल्यामुळे सगळ्या टीम सोबत राहावं लागतं. तर मी त्यांना म्हटलं सर मला जेवायला जायचं आहे, कोच सर बोलवत आहेत मला. सर बोलले की ओके की तू जा. आणि त्या टाइममध्ये म्हणजे भारतात आणि तिथे बुदापेस्टचा 4 ते 5 तासाचा फरक होता, म्हणजे बुदापेस्टमध्ये 9 वाजले होते तर इथे आपल्या इंडियामध्ये 1-2 वाजत होते रात्रीचे. मी आल्यानंतर त्यांना मेसेज केला, ते तेव्हा माझ्यासाठी ऑनलाईन होते स्पेशल, ते माझ्यासाठी थांबलेले होते, ते माझ्यासोबत म्हणजे पूर्ण बोलले की काय तुझं कसं चालू आहे, तुला काही प्रॉब्लेम तर नाही आहे तिथे वगैरे. तर मग मी म्हटलं नाही सर मी ठीक आहे. सर बोलले तू परत कधी येणार आहे? म्हटलं सर मी आता 2-4 दिवसात टुर्नामेंट संपली की लगेच इंडियात येईल आणि मग घरी येणार आहे. सर म्हणजे ठीक आहे ये, म्हणे मी तुझ्यासाठी एक सरप्राईज प्लॅन करून ठेवलेला आहे, तर तू आली की मला सांग, मी तुझ्यासाठी तो प्लॅन हे करेल. म्हटलं ओके सर. मग मी अकोल्यात आल्यानंतर त्यांना मेसेज केला, म्हटलं सर मी अकोल्यात आली आहे. तर त्यांनी मला कलेक्टर ऑफिसला बोलवलं,
सरप्राईज होता, मला काहीच माहिती नव्हतं याच्याबद्दल. तर त्यांनी तिथे मला बेटी बचाओ बेटी पढाओचं ब्रँड अम्बॅसेडर बनवलं. तर मला म्हणजे मी असं कधीच विचार नव्हता केला की माझ्या लाईफ मध्ये असं काही होईल की मला एवढे सारे लोक ओळखतील, पर्सनली कलेक्टर ओळखेल मला माझ्या नावानी, माझ्यासोबत बोलतील. तर हा बदलाव माझ्या बॉक्सिंगमुळे आलाय माझ्या जीवनात. दिस इज गुड, दिस इज व्हेरी गुड. आपके मेहनत को कोई रेकग्नाइज करे और आपका नाम हो. बेसिकली आज का हमारा जो ये सेशन लेने का मतलब ये है कि बच्चे मोटिवेट हो, ये जाने कि बॉक्सिंग के वजह से हमारे लाइफ में एक्चुअली बदलाव आ सकता है. जब उनको कोई क्वेश्चन करे कि आप क्यों करना चाहते हो, तो हम इसलिए करना चाहते हैं. हम नो डाउट नेम फेम तो मिलता है, बट एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलती है जो बॉक्सिंग छूटती नहीं है हमसे, राइट? ओके, हम जानना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या है. आपने काफी कुछ अचीव किया है बॉक्सिंग में, तो आपका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्यूचर गोल क्या है आप? मी आता सीनियर आहे, तर सीनियर मध्ये म्हणजे एक आपण म्हणतो की तो समुद्र आहे, तिथे मेडल घेणं खूप कठीण गोष्ट आहे. तर आता सध्या माझा प्रयत्न तोच आहे की मी सीनियरला आपल्या राज्यासाठी गोल्ड मेडल आणून देऊ, तिथे माझ्यामुळे माझ्या राज्याचं नाव झालं पाहिजे. आणि त्याच याच्यात मग समोर हळूहळू माझ्या म्हणजे देशाचं पण नाव माझ्यामुळे होईल, माझ्या राज्याचं नाव माझ्यामुळे होईल, ही माझी अशी इच्छा आहे. आणि मी त्याला म्हणजे प्रयत्न करेल ते की झालं पाहिजे म्हणून. आय होप जो आप सोच रहे हो आप अचीव कर पाओ. आप हमारे स्टेट का नाम, हमारे भारत का नाम आगे रोशन करो. एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे. इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर आप हमारे जो फेलो बॉक्सर्स है, जो वुमेन है और जो मेल बॉक्सर्स भी है जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम स्पेशली तो मुलींसाठी हा एक आहे की आताच्या सध्याच्या याच्यात काळामध्ये मुलींसाठी त्यांचा सेल्फ डिफेन्स हा खूप महत्वाचा आहे. त्याच्यामुळे म्हणजे त्यांनी असं काहीतरी वेगळं करावं की म्हणजे असं लोकांना म्हणजे आता मी अशी कुठे बाहेर जाते माझी ओळख सांगितली की ते म्हणतात अरे बापरे तू बॉक्सर आहे, अरे आम्हाला मारू बिरू नको, लाईक असं. आता ते एक लोकांच्या मनात अशी भीती वाटली पाहिजे असं म्हणजे मुलींसाठी, स्पेशल ही मुलींसाठी आहे की त्यांनी काहीतरी त्यांची अशी पर्सनॅलिटी बनवावी की लोकांनी त्यांना विचारलं पाहिजे आणि त्यांना एक असं म्हणजे त्यांच्या समोर म्हणजे अदबेनी राहायला पाहिजे असं. अशी माझी स्पेशली मुलींकरिता हे आहे. आणि त्या आर्थिक शारीरिक आणि मानसिक प्रकारे म्हणजे त्या सक्षम राहतील. कोणता पण गेम असं स्पेशली हेच नाही की बॉक्सिंगच, पण सेल्फ डिफेन्स हा खूप महत्वाचा आहे. आणि प्रत्येक याच्यात म्हणजे त्यांना जर का त्यांच्या याच्यात जर का थोडं हिम्मत असेल तर त्यांच्याकडे कोणी वाकड्या नजरेने बघू नाही शकणार अशी. त्याच्यामुळे माझी एक हे आहे सगळ्या मुलींना की त्यांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहायला पाहिजे आणि स्वतः सक्षम बनलं पाहिजे. That's a great message, dear. On behalf of MBA Women Summit members, wish you a very best of luck for your future, dear. And we want to see you shining and we want you to make us proud. Thank you for joining us. Thank you. Now to welcome the next superstar, our next champion, I would like to call upon my team member, Mohini Butte. Mohini, please go ahead, dear. Yeah, thank you so much. So our next champion is Ms. Devika Gorpade. As Devika has gone for some international tournament and is not currently present with us, hence I'll be sharing a pre-recorded video with you all. Amar, the video please. Hi Devika, this is Mohini Butte, Project Leader of Maharashtra Boxing Association. Firstly, I would like to welcome you on board. Thank you for joining us and wish you a very happy Women's Day. So Devika, let's start from the start. So mala tujha kamgiri baddal ek short madhe introduction de, nemke tu kiti tournaments kheli ahes, kiti international tournaments kheli ahes, kiti medals ahe, te zara amcha prekshakanla ek thodkyat elaborate kar. Hi, I am Devika Gorpade. I am an international boxer and I am 17 years old. मी मनोज सरांकडे ट्रेनिंग करते पुण्यामध्ये.
मी बॉक्सिंग सुरू केलं 2016 अँड इन लेस दॅन 1 मी महाराष्ट्राला रिप्रेझेंट केलं इन सब ज्युनियर नॅशनल्स अँड मी त्यामध्ये गोल्ड मेडल आणलं. त्यानंतर मी खेलो इंडियामध्ये पण आय वन गोल्ड मेडल अँड लास्ट इयर मी इंडियाला रिप्रेझेंट केलं इन ज्युनियर एशियन चॅम्पियनशिप आणि आय वन ब्रॉन्झ मेडल. Wow, Devika, that's really awesome. So, super proud of you on your achievements. Ashits mehnat kar Bharata sathi, Maharashtra sathi, ashits medals aan. Hi tamchi apeksha ahe. So, coming back to next question, mala sang tu boxing ha khel kasa choose kelas? ओके सो बॉक्सिंगच्या आधी ॲक्च्युली मी डान्स करायचे. फ्रॉम आय गेस फर्स्ट स्टँडर्ड टू सिक्स स्टँडर्डपर्यंत मी डान्स करत होते. तर वन डे पप्पा मला बोलले की डान्समध्ये खूप लिमिटेशन्स आहेत करिअरसाठी, तर तू स्पोर्ट्समध्ये करिअर तुझं बनव. आणि घरी पण आमच्या स्पोर्ट्समध्ये खूप सगळ्यांना आवड आहे आधीपासनं. तर त्यावेळेस ॲक्च्युली त्याच टाईममध्ये 2016 रिओ ऑलिम्पिक्स चालू होते. तर आम्ही सगळे घरचे ज्या म्हणजे मी डान्स क्लासवरनं घरी यायचे त्यावेळेस आम्ही सगळे मिळून रिओ ऑलिम्पिक्स बघायचो. तर मला पण खूप आवड झाली टुवर्ड स्पोर्ट्स. मी पण सगळे स्पोर्ट्स बघायचे, हायलाईट्स बघायचो. मी आणि पप्पा बसून सगळे स्पोर्ट्स बघितले. तर मला जास्त इंटरेस्ट आला बॉक्सिंग आणि रेसलिंगमध्ये. तर मी आणि पप्पांनी मग लास्टला असं डिस्कस केलं की कुठला तरी एक स्पोर्ट्स त्यामध्ये सिलेक्ट करायचा. तर आम्ही दोघांनी मिळून असं डिसाईड केलं की बॉक्सिंग करायचं, कारण की माझी हाईटचं मला ॲडव्हान्टेज भेटेल. अजून मला जास्त इंटरेस्ट आला बॉक्सिंगमध्ये. सो मी लास्टला असं डिसाईड केलं की बॉक्सिंग करायचं. आणि नशिबाने आम्हाला लगेच मनोज पिंगळे सरांचा अकॅडमी भेटली आणि आम्ही लगेच ते जॉईन केलं. Nice, good to see your family was very supportive from the beginning. I really appreciate that. So coming back to questions, mala sang kai changes aale tujha life madhe after choosing boxing or after excelling in boxing? Boxing mule majha life madhe sagyat important manje discipline aali hai. Discipline manje sakali lavkar uthna, on time sagar diet ghena, breakfast vagare sagar time to time sagi goshta majha life madhe. त्यानंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट माझ्या नेचरमध्ये, माझ्या बिहेवियरमध्ये कामनेस आलं आहे, पेशन्स आलं आहे. आणि बॉक्सिंगमुळे चॅलेंजिंग टाइम्समध्ये मी न पॅनिक होता आय कॅन हँडल द सिच्युएशन. आणि एक लाईफमध्ये मला मोटिव भेटलं आहे, एम आहे लाईफमध्ये आणि कॉन्फिडन्स आहे, एक सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे. इट्स रिअली नाईस टू सी यू बीइंग सो एम्बिशियस ॲट दिस अर्ली एज. रिअली awesome. So coming back to next question, mala sang tujha kay goal ahe in boxing? What is your next goal in boxing? Prattek khelaaduchu swapna asta ki tyanna olympic madhe medal paije. Tar maza te swapna ahe pan mala fakt medal nako, tar mala india sathi olympic madhe gold medal anaycha aahe. Ani ekda nahi tar teenda kamit kami mala olympic madhe khelun gold medal anaycha aahe. जसं मायकल फेल्प्स आहे, हुसेन बोल्ट आहे, ते लोक एवढे वर्ष कन्सिस्टंटली एवढे ऑलिम्पिकमध्ये वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये एवढे कन्सिस्टंटली मेडल्स आणतात, तसं मला कन्सिस्टंटली खूप वर्ष माझ्या कंट्रीसाठी खेळून गोल्ड मेडल. वाव देविका, आम्ही पण तुझ्याकडनं गोल्ड मेडलचीच अपेक्षा ठेवतो. So make us proud, make India proud anytime soon. We are waiting for that day, like desperately. कमिंग टू दी लास्ट क्वेश्चन देविका, मला सांग आज महिला दिनानिमित्त तू आपल्या महिला बॉक्सरांना काय मेसेज देऊ इच्छितेस? मी माझ्या सगळ्या महिला खेळाडूंना सांगू इच्छित आहे की आत्ताच्या टाईममध्ये स्पोर्ट्समध्ये खूप जास्त अपॉर्च्युनिटीज आहेत. तुम्ही करिअरसाठी जर स्पोर्ट्स चूज केला तर तुम्हाला खूप जास्त अपॉर्च्युनिटीज भेटतील पुढे. तर तुम्ही घरी बसून फोन यूज करण्याच्या ऐवजी किंवा बाहेर फिरण्याच्या ऐवजी तुम्ही ग्राउंडवरती जास्त टाइम स्पेंड करा. त्यांनी तुम्हाला एक लाईफमध्ये मोटिव भेटेल, एक एम भेटेल आणि तुमच्या लाईफमध्ये डिसिप्लिन राहील आणि तुमची हेल्थ पण चांगली राहील. सो या, थँक्यू. वाव देविका, थँक्यू फॉर दॅट लवली अँड इन्स्पायरिंग मेसेज. नक्कीच तुझ्याकडनं प्रेरित व्हायला खूप काही आहे, तुझ्याकडनं शिकण्यासारखं खूप काही आहे. सो तुझा वेळ जास्त न खाता आय विल कन्क्ल्यूड दिस कॉन्व्हर्सेशन हिअर.
and thank you for joining with us. Thank you for spending time with us. And on behalf of Maharashtra Boxing Association and Women's Summit, we wish you all the best for your upcoming tournaments and make us proud, make Maharashtra proud, make India proud, and wish you all the best for your future. So now I would like to hand over the mic to our Secretary General, Dr. Rakesh Tiwari, sir, to conclude today's session. Dr. Rakesh, sir. Yeah, thank you very much. Thank you. Thank you, all of you, my women and young leaders. I'm very happy. आजच्या या सेशनला तुम्ही एक चांगली एक योग्य असं वळण देऊन योग्य कार्यक्रम आयोजित केला आणि महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेची ज्या प्रकारची धुरा असली पाहिजे, ज्या प्रकारचं आम्हाला यंग लीडर्सला तयार करायचे आहे, आमच्या वरिष्ठांची जी संकल्पना आहे ती नक्कीच आम्ही पूर्ण करण्यासाठी आज यशस्वी झालो, यशस्वी होऊ आणि यशस्वी करण्यासाठी तुम्ही महिला पुढे याल अशी मला पूर्ण अपेक्षा आहे. दिलेले काम तुम्ही चांगल्या प्रकारे केले त्याबद्दल धन्यवाद. ऊपर से मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के साथ में भारतवर्ष से यहाँ पर आए हुए सभी कोचेस, मान्यवर रेफरीज और जो हमें इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए भारतवर्ष से हमें जो सपोर्ट किए है, उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा. और हमारे मार्गदर्शक के तौर पे जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट रखा है, वैसे हमारे श्री नरसी सर भी यहाँ पर थे, इन्होंने हमें अच्छा योगदान रखा, इसलिए मैं उनको भी थैंक यू कहूंगा. सभी महिलाओं को धन्यवाद. मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम आप करते रहे और इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो हमारी महिलाएं सामने आई थी, जिन्होंने दिन रात करके रात को डेढ़ डेढ़ बजे भी उन्होंने काम किया है, खाना बनाते बनाते भी काम किया है, सो मुझे इसका बड़ा गर्व है कि आपने एक नई योजनाएं सामने रखी है. स्पेशल थैंक्स सभी लीडर्स को और प्रोजेक्ट हेड को. प्रियदर्शना देवी पडोल मैडम, कल उनका ऑपरेशन हुआ फिर भी वो आज ज्वाइन हुए और हमारे साथ में पूरे प्रोग्राम में रहे और उन्होंने हमें मार्गदर्शन के तौर पे सब चीजें पूछी कि राज्य संगठन की तरफ से क्या करना चाहिए, वो भी हम करेंगे. उस माध्यम से आपके जो चेयरमैन ने जो आपको सपोर्ट किया, कारखाना कारखानी मैडम ने, कि अमृता मैडम ने बहुत अच्छे से और क्लियर कट किया कि मैं इन लोगों के सबके साथ में हूँ और इन लोगों के काम में मुझे एक अच्छी योजना दिखेंगी, उतना विश्वास उन्होंने दिखाया, उसलिए उनका भी थैंक यू. इस प्रोग्राम के लिए जो टेक्निकल हैंड लगा हमें, जो अमर भंडारवार जी ने सपोर्ट किया, उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद. महाराष्ट्र बॉक्सिंग संगठन के सभी पदाधिकारी ने जो काम महिला बॉक्सिंग के द्वारा करना चाहिए, महिला बॉक्सरों के साथ में करना चाहिए कि बॉक्सर की तरफ से हमें क्या क्या आउटपुट मिलता है, एक रेफरी करके भी आउटपुट क्या दे सकते हैं, जो महिला सक्षम होने के लिए जरूरी है, वो आप लोगों ने आज ये महिला जागतिक दिन के दिन करके दिखाया, इसलिए थैंक यू वेरी मच. साथ में नए प्रोग्राम के आयाम के लिए भी मैं शुभकामनाएं दूंगा और ये प्रोग्राम ऐसा रुकता नहीं चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र आज वुमेन्स पूरी तरह सक्षम हो चुकी है. ये मैं मानता हूं कि कोई भी महिला हो, उसके पीछे में पुरुष वर्ग का बहुत बड़ा एक रोल रहता है और वो रोल को मद्देनजर रखते हुए हम महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आप लोगों के साथ में हैं, आप लोगों के पीछे में पूरे काम करने के लिए तैयार है. आप जितना आगे बढ़ोगे हमें उतनी खुशी रहेगी. थैंक यू, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू एसजी सर, थैंक यू फॉर आपने जो हमको बोल के इंस्पायर किया उसके लिए. प्रिया मैम फिजिक हमारे साथ पूरे मीटिंग में थी बट उन्होंने वो कोई इंटरव्यू ले नहीं पाए. उन्होंने पूरा सेशन कैसे करना है, क्या करना है, हमको स्टार्ट से एंड तक गाइडिंग गाइडेंस देते रही हैं. इसलिए मैं चाहूंगी कि प्रियदर्शना मैम जो बीएफआई स्टार्ट रीरेफरी है, हमारी वुमेन समिट की प्रोजेक्ट हेड है, मैं चाहूंगी कि वो आके हमसे एटलीस्ट कुछ कहें. प्रिया मैम. Thank you, Manini. Good evening all, and all women's happy Women's Day. और मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. जो आज का जो प्रोग्राम रहा वो आपने बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल किया हुआ है और जो चीफ गेस्ट मिस डॉक्टर सोनिया कन्वर, अमृता कारखनीस, इनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें रिस्पेक्ट देके आज उन्होंने उपस्थिति दिखाई है. और जो मेरे जुड़े हुए कोचेस ऑफिशियल्स, इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ
कि आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को जुड़े रहने से हमारे कार्यक्रम को शोभा दे दी। तो मैं एक्चुअली मैं आज कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ, जो रीजन है आपको पता है। बस मैं मेरे प्रोग्राम को देख रही थी कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, कैसे मेरी मेरा मुझे मुझे पता था, मैं प्राउड हूँ मेरे टीम वर्क पे कि उन्होंने दिन रात एक करके ये प्रोग्राम को सक्सेस किया हुआ है। और मैं कुछ जैसे ये प्रोग्राम में किशन सर है, फिर रविकांत काले है, कृष्णा दास सर है, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे से वरिष्ठ सर है वो अपने दो दो शब्द जरूर बोले। तो सर किशन सर I'm audible, आवाज आ रही है? Yes, please. Thank you very much. I mean, I must congratulate you and your team, जिसने ये आज प्रोग्राम किया है on Women's International Day. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं थोड़ा अंदर अंदर बाहर जा रहा था, क्योंकि हमारी बेटियां आज जॉर्डन में सेमीफाइनल्स लड़ रही हैं। और खुशी की बात यह है कि अभी तक 6 junior girls have reached the finals of the Asian Junior Championship. This is ye mera kehne ka matlab yahi hai ki this is an opportunity for all the young boxers, women boxers, and the younger they start, because they've just announced, aaj announce kiya hai unhone ki school girls yani 12-13 साल की लड़कियों को भी एशियन चैंपियनशिप कराएंगे। और ये जो मेडल्स विन कर रहे हैं आज जॉर्डन में, और पहले भी जो जिन्होंने कुवैत में और दुबई में मेडल लिए हैं, उनको सबको प्राइज मनी $500, $1,000, $2,000 वैसे सबको मिलते हैं। तो दिस इज इनकरेजमेंट to the family also, कि बच्चे लोग आज उनके भाई बहन को support भी कर सकते हैं कोई कोई in some form or the other. That is all I want to say. आपको बहुत आगे future है, whether you are a boxer, if you given up boxing, official बने, referee judge बने, coach बने, लेकिन आपका एक जोड़ान, एक कम्युनिकेशन बॉक्सिंग के साथ जरूर सालों भर रखते रहें। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, एस्पेशली योर टीम दैट हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। मोहिनी, आई मीन मालिनी, मोहिनी, आई मीन सबका नाम मैं ले सकता हूँ, बट आई यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से थैंक यू वेरी मच, एंड एस्पेशली टू सोनिया एंड टू डॉक्टर, यू ऑल हैव डन अ ग्रेट जॉब, थैंक यू, shukriya and jab. Thank you sir, thank you very much sir. Ravikant sir, Krishna das sir, Ravikant sir, mute sir. Now, huh. Hello. So, good evening. Audible, sir. Yeah, audible. Thank you. So, आज का प्रोग्राम देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हमारे जब यंग लीडर्स हैं, या मोटिवेटिंग न्यू जनरेशन एंड अपना करियर स्टैंड और अपने अचीवमेंट्स के बारे में सबसे वो शेयर कर रहे हैं और उनके एफर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थॉट, और ये प्रोसेस था मार्शल बॉक्सिंग का, और हमारे जो यंग लीडर्स है विमेंस में उन्होंने ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। और पिछले एवरेज 1 month से प्रियदर्शन मैडम से मेरी बात हो रही थी लगातार कि कैसे करें क्या करें, तो हम लोग भी हमारी तरफ से कुछ ना कुछ उनको इनपुट दे रहे थे, बट दिस इज 100% हैंडल्ड बाय द वुमेंस कमीशन ऑफ महाराष्ट्र बॉक्सिंग। प्लस अभी मेरा सबसे यही एक बोलना है कि जो हमारे यंग अचीवर्स है उन्होंने अपनी बातों से तो आगे के जनरेशन को मोटिवेट किया है,
तो आई फील कि वो लोग फिजिकली पर्सनली लेवल पे भी ये चीज को आगे बढ़ाए और फिजिकली इसको आगे लेके जाए, कि इससे बातों से कोई मेडलिस्ट नहीं बन सकता, तो उसके लिए एफर्ट डालना होता है। जैसे आप लोगों ने एफर्ट डाला तो आप चैंपियन बने हो, तो आपकी आगे की जनरेशन अगर मेडलिस्ट बनना चाहती है, चैंपियन बनना चाहती है, तो उसमें आपका भी एफर्ट होना चाहिए। सो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वर्क ऑन दिस थिंग्स। थैंक यू। ओके, केडी सर ने खाली मैसेज लिखा है, क्योंकि सर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सर भी आउट ऑफ इंडिया है, तो शायद सर सर ने मैसेज से अपना अभिनंदन व्यक्त किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर, केडी सर, एंड थैंक यू माय ऑल बॉक्सर्स, ऑल चैंपियंस, और मैं भी आउट ऑफ थैंक्स के लिए हैंड ओवर कर रही हूँ मोहिनी भुट्टे। थैंक यू मैम। So, on behalf of Women's Summit, Maharashtra Boxing Association, I offer my sincere thanks to our chief guest, Dr. Sonia Kanwar and Mrs. Amruta Deshmukh for joining us. I would also like to thank our Secretary General, Dr. Rakesh Tiwari, sir, and the entire panel of Maharashtra Boxing Association for giving us an opportunity to conduct such programs. Also, I would like to thank all the champions and all the attendees who joined us from all over India and giving their valuable time to us. And last but not the least, I would also like to thank Mr. Amar Bhandarwar and Nilesh Baviskar for the technical support. Thank you once again. Thank you so much. Thanks for giving an opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Sonia. Great job. Thank you, everyone. We can officially end the meeting today. Thank you, everyone, for joining us. Thank you so much.